ओके, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं। स्टार्ट करते हैं सेशन बच्चों, और स्टार्ट करने से पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। फाइनली 2021 में हम आ गए। हमें बेसब्री से इसका इंतजार था। अब देखते हैं ये वाला साल हमारे लिए क्या-क्या गुल खिलाएगा। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं नए साल की। नए साल में तुम सब लोग कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ो, यही आशा करता हूं। राशि स्नेहल, अजय, तेजस, सोनिका, विद्या, निधि, गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल मुलाकात हुई थी, पूरा एक साल हो गया। यस, देखो यार, हम पिछले साल मिले थे, उसके बाद जस्ट अभी मिले हैं, एक साल बाद। स्नेहल, तेजस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चंस हमने होमवर्क पे रखे थे बच्चों? होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस रखे थे? टेल मी। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा 7, 8, 8th नंबर क्वेश्चन था क्या? 8th नंबर तो मैंने करवाया था ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अच्छा, 8th नंबर में नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको करनी थी और 7th आपको पूरा करना था। चलो बताओ फिर, कौन कौन सा क्वेश्चन किया, नहीं किया, बना, नहीं बना, क्या दिक्कत, परेशानी, सब कुछ बताओ, सब कुछ बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से टेल मी, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत? सर 7th का नहीं बना मुझसे। अच्छा, 7th आपको नहीं बना, और 8th तेजस हो गया सर, निधि डन सर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 में जर्नल एंट्रीज करनी थी, तो मैं उसको क्वेश्चन को मान रहा हूं कि सबसे हो गया होगा। आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा, मतलब होमवर्क कर लिया होगा आपने, जर्नल एंट्रीज कर ली होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी पर्सनली, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेगा, ठीक है ना? या तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछोगे, तो बाकी लोग भी रिप्लाई कर देंगे। तो दो तरीके हैं, अगर मेरे से पूछना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, कुछ ना कुछ लोग आपको रिप्लाई कर लेंगे। 7th की बात करें, 7th की बात करें, मैं एक बार 7th जरूर आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। 7th आपके साथ मैं डिस्कस अभी जरूर करना चाहूंगा। ग्रांड डेट 1 अप्रैल 2008, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड 500, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड पर एम्प्लॉय 100, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांटेड 25,
वेस्टिंग पीरियड शैल बी डिटरमाइंड एज बिलो इफ द कंपनी अर्न्स 120 क्रोर्स और अबव आफ्टर टैक्सेस इन 8-9 द ऑप्शन विल वेस्ट ऑन 31 मार्च 9 स्टार्ट कब हुआ है 1 अप्रैल 8 मतलब आपको हम ऑप्शन एक साल बाद दे देंगे अगर हमारा टारगेट फुलफिल हो गया तो क्या टारगेट है कंपनी की अर्निंग अगर 120 क्रोर्स और मोर अगर कंपनी की अर्निंग 120 क्रोर्स और मोर हो गई तो ऑप्शन विल वेस्ट ऑन 31 मार्च 9 31 मार्च 9 में ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा अगर ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई मतलब 120 क्रोर्स और मोर एक साल के अंदर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर टोटल मिला के दो साल के अंदर 250 क्रोर्स की अर्निंग हो गई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मिला के एवरेज नहीं है ना एवरेज नहीं फर्स्ट और सेकंड ईयर की टोटल इन एग्रीगेट 8-9-9-10 ऑप्शन आपको वेस्ट किया जाएगा 2010 के एंडिंग में मतलब दो साल बाद और अगर यह भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो अगर कोई बात नहीं फिर थर्ड ईयर की अर्निंग जो भी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड की मिलाकर 400 क्रोर्स होनी चाहिए एग्रीगेट तो ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा थर्ड ईयर के एंड में मतलब 31 मार्च 11 अब यहां पर भी वही सब चीजें हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था क्वेश्चन नंबर 6 में परसेंटेज में था और वहां एवरेज कर रहे थे यहां टोटल कर रहे हैं अमाउंट में है पोजीशन पहली क्या है कंपनी अर्न 115 करोड़ आफ्टर टैक्सेस इन 8-9 कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 140 क्रोर्स इन 9-10 अब देखो फर्स्ट ईयर के एंड में इतना तो मालूम पड़ गया कि जो कंपनी की अर्निंग है वो 115 है और जबकि कंडीशन थी 120 की मतलब इतना तो समझ में आ गया कि फर्स्ट ईयर में ऑप्शन वेस्ट हो ही नहीं रहा है तो 115 प्लस हमें लगता है कि अगले साल नेक्स्ट ईयर हम 140 अर्न कर लेंगे तो 115 प्लस 140 255 प्लस 140 255 हमें लगता है कि कंपनी की अर्निंग 255 हो जानी चाहिए अगर ऐसा हुआ तो सेकंड वाली कंडीशन पूरी होती हुई दिख रही है फर्स्ट ईयर के एंड में ही देखो पोजीशन ऑन 31 मार्च 9 बोल रहा है तो फर्स्ट ईयर के एंड में ही पोजीशन पूरी हुई दिख रही है पूरी होती हुई दिख रही है मेरी बात समझ में आ रही हो कि नहीं पोजीशन पूरी होती हुई दिख रही है तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम फर्स्ट ईयर में कहेंगे कि भाई हमारे पास एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड लगता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड लग रहा है 474 अवेल करेंगे तो 474 को हम 100 ऑप्शंस ईच देंगे ₹15 के हिसाब से फेयर वैल्यू पच्चीस के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू है डिवाइडेड बाय अब हमें यहां समझ में आ रहा है कि कंडीशन दो साल वाली पूरी हुई होती हुई दिख रही है फर्स्ट ईयर की पूरी हुई नहीं 115 का अर्निंग था का टारगेट था 120 मिनिमम सेकंड ईयर की अर्निंग के लिए टारगेट है मिनिमम 250 दो साल का मिला के हमारा हो रहा है 255 तो हमें पूरी होती हुई दिख रही है तो इसलिए हम 2 करेंगे इनटू 1 हमारा एक साल हुआ है 474 इनटू 100 बताइए कितना आंसर आया सबका फाइव लैख नाइन्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऋत्विक क्या प्रॉब्लम थी आपको इसमें आप बोल रहे हो कि बना नहीं प्रॉब्लम क्या थी बेटा इसमें आपको फिर पोजीशन ऑन 31 मार्च 10 मतलब नेक्स्ट ईयर अब हमारे मन में क्या था जब हम फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े थे हम बहुत खुश थे कि भैया चलो दिख रहा है कि सेकेंड ईयर वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी
इसीलिए हमने एस्टिमेट किया कि सेकेंड 2 ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड होगा। अच्छा, एग्रीगेट को एवरेज पढ़ लिया। ओके, अब सेकेंड ईयर की पोजीशन क्या थी? कंपनी अर्न 130 करोड़ आफ्टर टैक्स इन 9-10। ओहो, 130 करोड़ अर्न कर दिए। अब आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर में 115, सेकेंड ईयर में 130, तो 115 प्लस 130 ये होता है 245। 115 और 130 ये होता है 245 करोड़। हमारी कंडीशन क्या थी? 250 की। ओहो, ये तो फुलफिल ही नहीं हुई। सेकेंड ईयर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ऐसा हमें सेकेंड ईयर के एंड में मालूम पड़ा। हमें फर्स्ट ईयर के एंड में लगता था कि टोटल 255 हो जाएगा, क्योंकि अंदाजा था कि 140 सेकेंड ईयर में हम कमा लेंगे, जबकि हमने 130 कमाए। ओहो, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 1 साल और रखा है जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो, एक्सपेक्ट टू अर्न 160, तो 160 का एक्सपेक्टेशन है, तो 245 प्लस 160 मतलब हमें 405 हो जाएगा, ऐसा हमारा अंदाजा है। ये हम सोच रहे हैं सेकेंड ईयर के एंड में कि हमारा थर्ड ईयर का फुलफिल हो जाएगा। कंडीशन था 400, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड ईयर का मुझे बताइए आंसर कितना होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 465 एक्सपेक्टेड है इनटू 100 इनटू 25 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 2 कितना हो रहा है? ये हो रहा है 7,75,000 माइनस 5,92,500, ये होगा 182,500, 182,500 एक्सपेंस एक्सपेंस हमें इतना एक्सपेंस बुक करना चाहिए, हमें इतना एक्सपेंस बुक करना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं पोजीशन ऑन 31 मार्च 2011। पोजीशन ऑन 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011 कंपनी ने 165 करोड़ अर्न कर डाले। ओहो, जबकि पिछला हमने सोचा था 160 करेंगे, 165 कर डाले, मतलब सच्ची मुच्ची थर्ड ईयर की कंडीशन फुलफिल हो गई। कैसे? फर्स्ट ईयर का 115, सेकेंड ईयर का 130, थर्ड ईयर का 165, ये होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 410। 115, 130, 165, 410। और थर्ड ईयर के एंड में मालूम पड़ता है कि थर्ड ईयर की कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, इसका मतलब सच्ची में थर्ड ईयर का ऑप्शन वेस्ट हो गया है। सर, अगर ऑप्शन वेस्ट नहीं होता तो क्या करते? तो हम जो पिछले 2 सालों का एक्सपेंस बुक कर चुके ना, 592 और 182, मतलब कुल मिला के 775, उसको हम रिवर्स कर देते पीएनएल में। ठीक है, अगर थर्ड ईयर की कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो। थर्ड ईयर का मुझे बताइए कितना होगा? यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट गया है, लाइट नहीं है और मेरा काम इन्वर्टर से हो रहा है। किसी भी टाइम पे कुछ गड़बड़ हो सकती है बच्चों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, किसी भी टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर लाइट सही समय पे वापस नहीं आई तो मेरा इन्वर्टर मुझे लगता है आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा मुझे साथ देगा। कितने एम्प्लॉइज एक्चुअली हो गए? 450। 450 × 100 × 25 डिवाइडेड बाय 3 × 3 ये हो गया 11,25,000 माइनस 775 पिछले साल तक जो भी आपने किया, ये हो जाएगा 3,50,000 का एक्सपेंस। बस आपको यही निकालना था।
कैलकुलेट द एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर, दैट्स इट, हो गया। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 डन, क्वेश्चन नंबर 8 तो ऑलरेडी डन, और कोई होमवर्क था क्या? या तो हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 पे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ग्रांटेड बाय द कंपनी आर अवेलेबल। ग्रांट डेट 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2006। आपको बताना चाहता हूं, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है, आपको बताना चाहता हूं, 8th नंबर सीए फाइनल का क्वेश्चन था। मुझे ना लिखना चाहिए क्योंकि बच्चे ना शक करते कि सर आप कितने क्वेश्चन करवाते हो, सर आप कौन कौन से क्वेश्चन करवाओगे, कहां कहां से करवाओगे। बेटा तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हें कहां कहां से क्वेश्चन करवाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और आने वाले एक दो क्वेश्चन और सीए इंटर की किसी भी बुक में से उठा लो, उठा के देख लो, नहीं मिलेगा। मैं आपको करवा रहा हूं अभी डायरेक्ट सीए फाइनल लेवल के क्वेश्चन। यस, किसी भी आरटीपी एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी पास एग्जाम पेपर इंटर आईपीसीसी के कहीं से भी ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। हम कर रहे हैं सीए फाइनल के लेवल के क्वेश्चंस। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड 525, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉई 100, वेस्टिंग कंडीशन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 ईयर्स, कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 ईयर्स, कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ना, वेस्टिंग कंडीशन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 ईयर्स। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर 100, एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर 125, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट 149, वेस्टिंग डेट 31 मार्च 9। अब इस दोनों को कंपेयर करो, 1 अप्रैल 6, 31 मार्च 9, मतलब 3 ईयर्स। आपका जो वेस्टिंग पीरियड है वो साफ साफ कह रहा है 3 ईयर्स का। एक्सरसाइज डेट 31 मार्च 10, मतलब आपका 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है। एक साल का एक्सरसाइज पीरियड हुआ। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट, पर शेयर ऑन ग्रांट डेट 30। अब देखो यहां पर बड़ी दुविधा वाली बात हो गई कि ये आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी दे रहा है, देख रहे हो, 149 माइनस 125, 24 रुपीज का आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी दे रहा है और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी दे रहा है। आपको ऑप्शन भी दे रहा है 30 रुपीज का,
₹30 का ऑप्शन आपको ऑप्शन भी दे रहा है। देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब ये कह रहा है पोजीशन ऑन 31 मार्च 2007, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में क्या पोजीशन है। एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 2%। डिपार्चर मतलब कितने लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे। हमें लगता है कि 2% लोग जाएंगे। कब पोजीशन सर, पोजीशन पोजीशन ऑन 31 मार्च, फर्स्ट ईयर के एंड में हमें एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर दिया गया है 2%, मतलब 2-2% जाएंगे ऐसा हमें फर्स्ट ईयर के एंड में लगता है। पहले साल कितने जा चुके हैं, 15%। इसको ऐसा करके कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रैल 6, ठीक है ना, फर्स्ट अप्रैल 6 यहां आपके जो इंप्लॉइज हैं वो हैं 525 और 31 मार्च 6 यहां लेफ्ट 15 जा चुके हैं। आप मेरे साथ ये टाइमलाइन बना रहे होंगे, ठीक है, 15 जा चुके हैं और यहां डिपार्चर बता रहा है 2% पर एनम। ईयर एंड पे बोल रहा है कि हमें लगता है 2% और जाएंगे आने वाले साल में, 2% पर एनम। फिर से हमारे पास शुरुआत में 525 एम्प्लॉइज थे, 15 एम्प्लॉइज चले गए, ईयर एंड पे लगता है कि 2-2% एम्प्लॉइज और जाएंगे आने वाले टाइम में। मुझे बताइए फर्स्ट ईयर में हम जब एक्सपेंस निकालेंगे तो एम्प्लॉइज को कितना लिखेंगे। इसके अलावा बस दैट्स इट, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे बताइए फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकालते वक्त हम एम्प्लॉइज को कितना लिखेंगे, हम एम्प्लॉइज को कितना लिखेंगे, टेल मी। हम 525 लिख दिए, अब क्या करेंगे। अच्छा, हर क्वेश्चन अलग है, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्लास में करवाया था उसकी तरह होगा पूरा का पूरा, या क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होगा। थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंट है। 515 में से 15 जाएगा, मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। आप एक शायद गलती कर रहे हो या गलती करोगे कि आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 से कंपेयर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 से कंपेयर थोड़ा सा मत करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज अलग थी। अभी मैं आपको यह सॉल्व करवाने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 से कंपेयर करवाऊंगा। यहां इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे पास 15 एम्प्लॉई गए और मेरा डिपार्चर रेट 2% है पर एनम, ठीक है ना। तो -2% 2% पर एनम है, तो अभी 2 साल और बचे, तो इसीलिए मैं मानता हूं कि 525 में से 15 एम्प्लॉई गए, ईयर एंड में जितने बचेंगे उसका 2% और जाएंगे ईयर 2 में, और फिर जितने बचेंगे उसका 2% और जाएंगे थर्ड ईयर में, ऐसा मेरा मानना है। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन नंबर 8 में तो ऐसा नहीं था सर। क्वेश्चन नंबर 8 में तो आपने डायरेक्टली 2500 में से 3 बार 3333 माइनस किया था परसेंट, जबकि फर्स्ट ईयर कितने गए थे एक्चुअल लेफ्ट वो अपने को पता भी था सर। तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 तो सेम हुआ नहीं। ये क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या था, आपको मैं कलर करवाता हूं। यहां लिखा था However, at the end of 3, management of Santosh Limited still expects that actual forfeiture would average only 3% of the entire wasting period. यहां मजेदार ये बात थी, यहां पर वर्ड लिखा था entire वेस्टिंग पीरियड।
मतलब वो कह रहा था कि फर्स्ट ईयर में जितने भी गए की फर्क पैंदा है, अरे मिट्टी डालो, ओवरऑल इंटायर वेस्टिंग पीरियड में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में टोटल मिला के हमें तो अभी भी पता है कि तीन 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 ही जाएंगे, इंटायर वेस्टिंग पीरियड, वर्ड बोल रहा था इंटायर वेस्टिंग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि भाई मैं तो अपनी पोजीशन चेक कर रहा हूं ईयर एंडिंग पे, और उसमें से 15 इंप्लॉई जा चुके हैं, बाकी एस्टिमेट कर रहा हूं कि 2% और जाएंगे। क्या इसने लिखा क्या इंटायर वेस्टिंग पीरियड? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये 2% वो एस्टिमेट कर रहा है कि भाई एक साल के बाद, मतलब एक साल हो चुका है, अब अगले 2 सालों में 2-2% और जाएंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 8 हमारी कैलकुलेशन वॉज बेस्ड ऑन इंटायर वेस्टिंग पीरियड। फर्स्ट ईयर में हमने बोला तीन 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 परसेंट जाएंगे, पहले साल कितने गए भाड़ में जाए। सेकेंड ईयर हमने बोला 10-10-10-10% जाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलाकर, पहले साल कितने गए दूसरे साल कितने गए भाड़ में जाए क्या फर्क पड़ता है। हम तो बोल रहे हैं भैया ओवरऑल 10-10% पूरे वेस्टिंग पीरियड में ऑन एन एवरेज 10-10% हर साल जाएंगे, इंटायर वेस्टिंग पीरियड। आप वर्ड पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 8 अभी पढ़ लीजिए, मैं इतनी देर से रिपीट कर रहा हूं, आप खुद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वो बार बार बोल रहा है इंटायर वेस्टिंग पीरियड। जब भी वो डिपार्चर रेट दे रहा है, फॉरफीचर रेट दे रहा है, तो वो बोल रहा है इंटायर वेस्टिंग पीरियड में, इतना मेरा अंदाजा है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो जब बोल रहा है कि भाई पोजीशन, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है भाई ईयर एंड की पोजीशन क्या है, 2% और जाएंगे एनुअली, मतलब कुल मिला के आपके 2% फिर 2% ऐसे जाएगा। ठीक है सर, हम इसको -2 -2 करने के बजाय इंटू 98% इंटू 98% कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हो, दोनों सेम है, -2 -2 या इंटू 98 वो दोनों कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय 3, वेस्टिंग पीरियड 3 है, यहां कोई खेल नहीं है वेस्टिंग पीरियड का। इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं 100। अब यहां समझ नहीं आ रहा कि मैं इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीप्लाई करूं कि फेयर वैल्यू करूं, नीचे देखते हैं। अच्छा, कंप्यूट द एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर, फेयर वैल्यू मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ये बोल रहा है दोनों से करो क्वेश्चन। मतलब एक पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो फेयर वैल्यू से, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो इंट्रिंसिक से। आप बताओ मैं किससे सॉल्व कर रहा हूं, टेल मी, आप बताओ मैं किससे सॉल्व कर रहा हूं। आप बताइए मैं कितने किससे सॉल्व कर रहा हूं, मैं फेयर वैल्यू से करवाऊं इंट्रेंसिक वैल्यू से, आप खुद कर लेना। फेयर वैल्यू है 30, मैं फेयर वैल्यू से करवाता हूं, तो यहां ऊपर लिख लो फेयर वैल्यू मेथड 30 मल्टीप्लाई बाय 1। आप बेशक ये बोलोगे कि सर मैं जब 525 -15 करके इंटू 98% इंटू 98% कर रहा हूं तो सर पॉइंट में आ रहा है। आप रुको मत ना, ये आ रहा है आपका 489.804। सर वो ये लिख लूं क्या ऐसा ऐसा 489.804 सर ये लिख लूं? आप, मैं बोल रहा हूं लिखो ही मत, और डायरेक्टली आप इंटू 100 इंटू 30 करते जाओ, इंटू 100 इंटू 30 आपका अपने आप राउंडिंग ऑफ बदल जाएगा, राउंडिंग ऑफ अपने आप हो जाएगा। ये हो गया 14,69,402 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, ये हो गया 489.804, 489.804 ये आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। नाउ बेस्ड ऑन दैट मुझे सेकेंड ईयर का एक्सपेंस चाहिए, बेस्ड ऑन दैट मुझे सेकेंड ईयर का एक्सपेंस चाहिए। बेस्ड ऑन दैट मुझे सेकेंड ईयर का एक्सपेंस चाहिए, सेकेंड ईयर की पोजीशन चेक करते हैं। अच्छा उसके पहले किसी को कोई डाउट बताइए,
कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, सेकेंड ईयर एक्सपेंस। अब ये कह रहा है एस्टिमेट एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 3%। क्या ये 3% फॉर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड बोल रहा है? नहीं, ये फर्दर ईयर के लिए बोल रहा है, आगे आने वाले साल के लिए बोल रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने गए? 10। तो हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेट करके बताओ। निधि ने कैलकुलेट किया 48196। ठीक है, देखते हैं। हम बोलेंगे यार 525 में से 15 तो ऑलरेडी जा चुके थे, 10 और चले गए क्योंकि हम सेकेंड ईयर के एंड में खड़े, 10 और चले गए। तो यहां पर हमारे पास साला एम्प्लॉय बचे हैं 525 माइनस 10 और 15, मतलब हमारे पास 500 एम्प्लॉय रखे हैं और यहां पर हमारा डिपार्चर रेट है 3%। अब 3% क्या इंटायर वेस्टिंग पीरियड बोल रहा है क्या? नहीं, 3% बोल रहा है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बोलेंगे फर्दर ईयर के लिए, मतलब आगे आने वाले साल के लिए, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है कि थर्ड ईयर में 97 जाएगा, ऐसा हमारा अंदाजा है। ये फर्स्ट में गया, ये सेकंड में गया, ये थर्ड का हमारा अंदाजा है। इंटू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना आया? 970 क्यूमुलेटिव आया, उसमें से 489804 माइनस कर दो, फोर एटी वन नाइनटी सिक्स ये हो गया सेकेंड ईयर। आया कि नहीं सेकेंड ईयर का एक्सपेंस? ठीक है। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि गलती से भी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन मत मानना, कंपेयर जरूर करिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 का तरीका थोड़ा सा अलग था क्योंकि उसकी वर्डिंग्स अलग थी, क्वेश्चन नंबर 9 का तरीका अलग है, उसकी वर्डिंग अलग है। वहां वो बार बार अवर्ड यूज कर रहा है इंटायर वेस्टिंग पीरियड, इंटायर वेस्टिंग पीरियड। इसलिए फर्स्ट ईयर में कितना गया एक्चुअल हमें ना कोई मतलब नहीं है, सेकेंड ईयर में कितना एक्चुअल गया हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर वो जब डिपार्चर रेट दे रहा है ईयर एंड पे दे रहा है तो वो फॉर इंटायर वेस्टिंग पीरियड नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो हम क्यों अपना दिमाग चलाएं? हम बोलेंगे भाई फर्दर कितने जाएंगे वो इतना बता रहा है तो हमें एक्चुअल लेना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड ईयर पे, पोजीशन ऑन 31 मार्च 9। यहां कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि यहां सब कुछ सॉर्टेड है, 8 एम्प्लॉइज और चले गए। थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर में अब ये फिर से तो एस्टिमेट करेगा नहीं कि कितने और जाएंगे, ये थर्ड ईयर तो लास्ट ईयर की कंडीशन थी, ठीक है ना, लास्ट ईयर था। तो लेफ्ट 8, तो यहां हमारे पास एम्प्लॉय बचने चाहिए 492। तो हम फाइनली 492 के अकॉर्डिंग हंड्रेड ऑप्शंस 30 रुपीज डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 क्यूमुलेटिव कितना आता है? 14,76,000 और उसमें 970
फर्स्ट एंड सेकंड 5,06,000 थर्ड ईयर का एक्सपेंस हो गया ये। थर्ड ईयर का एक्सपेंस हो गया ठीक है। आगे की क्या पोजीशन है? पोजीशन ऑन 31 मार्च 10 मतलब एक साल वेस्टिंग पीरियड का एक्सरसाइज पीरियड का। ये कह रहा है भाई 492 में से 480 ने एक्सरसाइज किया और 12 का ऑप्शन लैप्स हो गया। हम बोलेंगे टोटल एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर 3 ईयर्स 489 804 480 196 506 14,76,000 14,76,000 इसमें से 480 अच्छा ये कितना था फॉर 492 एम्प्लॉइज इसमें से 480 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज्ड और 12 एम्प्लॉइज लैप्स्ड। तो बस आप मुझे इतनी कैलकुलेशन निकाल के दीजिए। थर्टी सिक्स थाउजेंड आना चाहिए फॉर 12 एम्प्लॉइज जिसका लेस हुआ। फोर्टीन फोर्टी होना चाहिए जिनका एक्सरसाइज हुआ। सर ये 36 कैसे आया? 12 एम्प्लॉइज 100 ऑप्शंस 30 रुपीज। सर ये कैसे आया? 480 एम्प्लॉइज 100 ऑप्शंस 30 रुपीज। एंट्रीज आपको खुद करना है। शो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय बोथ द मेथड्स। फेयर वैल्यू से अगर देखें तो 489,804, 480,196, 5,06,000 और 36,000 जनरल रिजर्व। हमारा ये बिल्कुल मैच हो रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड से। आपको करना है, मैंने हिंट आंसर दे रखा है। बताइए इस क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? बताइए बताइए। आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू वाला आपका होमवर्क है, तो मैं ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 9 को होमवर्क कर लेता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू वाले के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, मैं आपको 2-3 मिनट का आपको टाइम देता हूं
मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे होना चाहिए, बनना चाहिए। फिर भी इफ यू वांट मैं आपको करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करें, इसको होमवर्क की तरह लेना चाहे लें, या अगर आप इसको खुद अभी करना चाहते हैं अभी करें, मुझे चैट करके बताइए। पर पहले क्वेश्चन नंबर 10 को 2 से 3 मिनट पहले पढ़ के देखो, आपको ये क्वेश्चन याद दिलाएगा किसी एक क्वेश्चन की, हमने ऊपर उनमें से एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसको पढ़िए एक बार क्वेश्चन को प्लीज।
जी बताइए, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के किसकी याद आ रही है? आपका एक्चुअल फॉरफीचर हुआ 5%, पर उसके बाद भी कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर वन एंटरप्राइज स्टिल एक्सपेक्ट दैट एक्चुअल फॉरफीचर वुड एवरेज 3% पर ईयर ओवर द 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड, ओवर द 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड। ये तो वही हो गया इंटायर वेस्टिंग पीरियड। ये क्वेश्चन सिमिलर टू, बिल्कुल ठीक कहा ऋत्विक ने, स्नेहल ने, अजय ने, विद्या ने, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 है। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8, फिगर्स डिफरेंट हैं ऑब्वियसली, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 है। आप बोलो तो मैं करवाऊं, मुझे लगता है कि आपको ये पर्सनली करना चाहिए। हिंट आंसर दिया हुआ है, अगर आपसे नहीं बनेगा अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, मैं करवा लूंगा। बताओ क्या करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 10 करना चाहते हो कि आगे बढ़े? सर इंटायर वेस्टिंग पीरियड वाली बात नहीं लिखी होती तो क्या चेंज होता? ऐसा लिखा होता एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट एक्चुअल फॉरफीचर वुड बी 3% फॉर द रिमेनिंग होता। क्या सर 3% होता फर्स्ट ईयर? वही क्वेश्चन नंबर 9 की तरह कि फर्स्ट ईयर में 5% गए, अब हमें लगता है कि अगले 2 सालों में तीन तीन जाएंगे। ऐसा अगर इंटायर वेस्टिंग पीरियड नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन बन जाता क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहां हम करंट ईयर के एम्प्लॉइज माइनस कर रहे थे एक्चुअल, और बाकी 2 साल के हम -2 -2 खेल रहे थे। वैसे यहां पर भी एक्चुअल हम माइनस करते 5%, बाकी 2 साल में 3% 3% खेलते। सर गो अहेड मतलब, गो अहेड मतलब मैं इसको करवाऊं कि आगे बढ़ूं? आई थिंक आगे बढ़ू बोल रहे होगे ऑब्वियसली। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 रिपीटेड हो गया, इसको काट दो, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने ये कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, जो 11 है वो 7 की तरह है, पूरा सेम है, 7 है, रिपीट हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 7 है वो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, बताओ ये किसकी तरह क्वेश्चन है? आप अब ये क्वेश्चन सिमिलर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और मुझे बताओ कि ये भी क्वेश्चन कुछ मिला जुला लग रहा है क्या?
हेलो हेलो ओके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 कैसा लग रहा है आपको। एट द बिगनिंग ऑफ ईयर वन एंटरप्राइज ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शन टू इट्स 500 एम्प्लॉइज कंडीशन अपॉन द एम्प्लॉय रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर वन इफ द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इज 18%, एट द एंड ऑफ ईयर टू इफ द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इन एन इज एन एवरेज ऑफ 13% पर ईयर ओवर द टू वेस्टिंग पीरियड ओवर द 2 ईयर पीरियड एंड एट द एंड ऑफ ईयर थ्री इफ द अर्निंग्स ऑफ द एंटरप्राइज इज एन एवरेज ऑफ 10% पर ईयर ओवर द 3 ईयर पीरियड। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कैलकुलेटेड एट द ग्रांट डेट यूजिंग ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इज 30 रुपीज। नो डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड ओवर द 3 ईयर पीरियड। बाय द एंड ऑफ ईयर वन एंटिटी अर्निंग्स ऑफ द एंटिटी वॉज 14 जबकि कंडीशन थी 18। 30 एम्प्लॉइज हैड लेफ्ट। एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट अर्निंग विल कंटिन्यू एट द सिमिलर रेट इन ईयर टू एंड देयर फॉर एक्सपेक्टेड ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर टू। मुझे तो ये क्वेश्चन लग रहा है कि हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन नंबरिंग भी बता सकता हूं बिना ऊपर जाए। मुझे तो यह भी याद आ रहा है कि क्वेश्चन में कंपनी का नाम क्या था। बिल्कुल ठीक ऋत्विक ने सही बोला। क्वेश्चन नंबर 6 चॉइस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 चॉइस लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो था ना ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए परसेंटेज में अर्निंग दे रखी है आपको एवरेज करके देखना है। फर्स्ट ईयर का अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का मिला के ऑन एन एवरेज आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए। बस थोड़ा सा क्या है इस क्वेश्चन में बोल रहा है एंटरप्राइज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी दैट फर्दर 30 विल लीव ड्यूरिंग ईयर टू एंड देयरफॉर अज्यूम दैट ऑप्शन विल वेस्ट टू द 440 एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ ईयर टू। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 30 और जाएंगे सेकंड ईयर में और सेकंड ईयर में ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा क्वेश्चन है। आप कहो तो मैं आपको करवा के दूं। सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन द आंसर बुक। वो तो ठीक है अवेलेबल तो ठीक है अपनी जगह पे है। आप कहो तो मैं आपको ये करवाऊं इसका फर्स्ट ईयर करवाऊं सेकेंड ईयर करवाऊं पूरा करवाऊं वॉट एवर इफ यू वॉन्ट। और अगर चाहो तो आप इसको खुद करके देखो। पता है मैंने क्या किया है मैंने आपको एक लेवल वाले क्वेश्चंस करवाए और उन्हीं के जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए आपकी बुक में और भी ताकि आप एडिशनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको और फिर आप उससे मुझसे पूछ पाओ कि सर यहां पर हमें तकलीफ हुई है ये हमें फिर से करवाइए। तो ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले बेसिकली। फिर भी अगर मुझे यहां पर कोई भी बोलेगा कि सर करवाओ तो डेफिनेटली मैं रुकूंगा नहीं मैं जरूर करवाऊंगा। पर मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि बच्चे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 12 अरे क्या हुआ करवाएं का जवाब नहीं दे रहे। होमवर्क करूं खुद प्रैक्टिस करोगे नलायको कुछ तो जवाब दो। कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क सेम क्वेश्चन है इसीलिए इसमें लिख देते हैं सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6।
अच्छा हो सकता है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 11 हो, ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन नंबर 11 है क्या या फिर 12 ही है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कटवा दिया है, तो हो सकता है आपके पास बुक्स जो आई हो वो अपडेटेड आई हो। नहीं भी आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कटवा दिया है क्वेश्चन, कोई एडिशन नहीं हुआ है। 12th है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये मैं करवाऊंगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। मतलब बिल्कुल मत बोलना कि सर ये भी हमें होमवर्क दे दो, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आज, मैं जिस जब से आया हूँ तुम तो मुझसे क्वेश्चन करवा ही नहीं रहे हो, हर बोल रहे हो, हर बार बोल रहे हो सर होमवर्क दे दो होमवर्क दे दो, मतलब ऐसे नहीं चलने वाला। तुम ये क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल मत बोलना कि सर आप होमवर्क दे दो, मैं बता रहा हूँ, मतलब तुम बोलोगे भी तो भी मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, आंसर बुक में मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर है, कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं है जहां मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है इसलिए मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया। क्वेश्चन नंबर 8, 8 तो है उसमें सॉल्यूशन, मतलब कुछ कुछ के सॉल्यूशंस नहीं है तो मैं डेफिनेटली वो वाले सॉल्यूशंस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए और इसको इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स कर लीजिए, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन एंटिटी ग्रांट्स टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव 10,000 शेयर ऑप्शंस। एंटिटी ने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को, मतलब एक एम्प्लॉय को, यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा नहीं है एक है, उसको 10,000 ऑप्शंस ग्रांट किए। ग्रांट किए मतलब क्या, वादा किया हम तुम्हें देंगे? नहीं, ग्रांट किए मतलब ऑफर किए, कंडीशनल अपॉन द एग्जीक्यूटिव्स रिमेनिंग इन द एंटिटीज एम्प्लॉयमेंट अंटिल द एंड ऑफ द ईयर 3। कंडीशन ये है कि अगर तुमने हमारे कंपनी में 3 साल फर्दर काम किया, आने वाले 3 साल काम किया, तो हम तुम्हें 10,000 ऑप्शंस देंगे, इशू करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। एक्सरसाइज प्राइस होगा उसका 40, मतलब तुम्हें हम ये जो 10,000 शेयर्स इशू करेंगे 40 रुपीज के हिसाब से इशू करेंगे, मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है। यहां तक बात सब अच्छी लग रही है कि आप मेरे एग्जीक्यूटिव हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव, आप मेरे अच्छे एम्प्लॉय हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि 3 साल तक अगर आपने कंपनी में काम किया, अगर आगे चल के 3 साल कंप्लीट कर लिए, तो हम आपको 10,000 ऑप्शंस इशू करेंगे, 10,000 शेयर्स देंगे 40 रुपीज के हिसाब से। आगे बात को पढ़िए। हाउ एवर, पर लेकिन द एक्सरसाइज पीरियड ड्रॉप टू 30 इफ द एंटिटीज अर्निंग इंक्रीज बाय एटलीस्ट एवरेज ऑफ 10% पर ईयर ओवर द 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड। हम आपको 40 रुपए का शेयर देंगे एक्सरसाइज प्राइस, ये तो बात ठीक है, हम आपको ये शेयर 40 के बजाय 30 का भी दे सकते हैं, 40 में देंगे हम आपको ये वादा कर रहे हैं, पर हम आपको ये शेयर 40 के बजाय 30 का देंगे और आपको बेनिफिट देंगे अगर कंपनी की अर्निंग आने वाले 3 सालों में मिनिमम 10% से इंक्रीज होती है। तो हर साल अगर कंपनी की एवरेज अर्निंग, हर साल कंपनी की अगर एवरेज अर्निंग 10-10% से इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली हम आपको 40 नहीं, 40 के हिसाब से नहीं, 30 के हिसाब से शेयर इशू करेंगे। ये तो आपके लिए और फायदे वाली सिचुएशन है, ठीक है। मैं आगे पढ़ने से पहले कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, यहां तक कोई तकलीफ? नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस 10,000, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स, एक्सरसाइज पीरियड में लफड़ा है, सॉरी एक्सरसाइज प्राइस में लफड़ा है, एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपीज नॉर्मली, बट ये एक्सरसाइज प्राइस 30 तक भी जा सकती है अगर आपने हमारा एडिशनली टारगेट फुलफिल कर लिया। तो क्या टारगेट है? अगर अर्निंग हर साल, एवरेज अर्निंग हर साल 10-10% से इंक्रीज हुई ऑन एन एवरेज, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर 15% से इंक्रीज हुई, पर सेकेंड ईयर में
5% हो गया, तो 15 + 5/2 10% दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऑन एन एवरेज 10% का एक रेट होना चाहिए। आई बात समझ में? तो एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। आप समझ रहे हो, एक्सरसाइज प्राइस कम होने से किसको फायदा? इंप्लॉय को फायदा। तो किसका एक्सपेंस ज्यादा? इंप्लॉयर का। एक्सरसाइज प्राइस में आपसे 40 रुपीज ले रहा हूं और एक्सरसाइज प्राइस में आपसे 30 रुपीज ले रहा हूं, क्या दोनों केसेस में कंपनी का एक्सपेंस एक जैसा होगा? मुझे बताइए, क्या दोनों केसेस में कंपनी का एक्सपेंस एक जैसा होगा? क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? मैं पूछ रहा हूं, मैं आपको 40 रुपीज में शेयर इशू करूं, मैं आपको 30 रुपीज में शेयर इशू करूं, क्या दोनों केसेस में मेरा क्या एम्प्लॉय एक्सपेंस, मेरी कॉस्टिंग एक ही जाएगी क्या? क्या मेरी कॉस्टिंग एक ही जाएगी क्या? जल्दी बताइए। मेरी कॉस्टिंग एक नहीं जाएगी। अगर मैं आपको 40 रुपए का शेयर दे रहा हूं तो मेरे को 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ना। यही मैं आपको अगर 30 रुपए का शेयर मिल दे रहा हूं तो मुझे 10 रुपए नुकसान हो रहा है मेरा 10 रुपए का। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब मेरी कॉस्टिंग दोनों केसेस में अलग अलग होगी, ठीक है? तो इसी बात को लेकर क्या ले बोल रहा है, ऑन ग्रांट डेट एंटिटी एस्टिमेट दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30 इज 16 रुपए पर ऑप्शन। इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज 40, द एंटिटी एस्टिमेट दैट द शेयर ऑप्शन हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 12 रुपीज पर ऑप्शन। इसको मैं समराइज करता हूं यहां पर कि एक्सरसाइज प्राइस अगर 40 हुआ तो फेयर वैल्यू हो जाएगा 12 रुपए। अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 हुआ तो फेयर वैल्यू हो जाएगा 16 रुपए, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। आपको पता होगा कि हम जब भी क्वेश्चन में एम्प्लॉय एक्सपेंस बुक करते हैं तो फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग बुक करते हैं। अब मैं कौन सी फेयर वैल्यू लूं? मैं फेयर वैल्यू 12 रुपए लूं कि मैं फेयर वैल्यू 16 रुपए लूं, वो मुझे आगे समझ में आ जाएगा। बट आपको पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्योंकि दो दो अलग अलग एक्सरसाइज प्राइस हैं तो इसीलिए फेयर वैल्यू भी दो दो हैं। अगर वो हमें कंपनी अगर 30 रुपीज में शेयर इशू करती है तो कंपनी का एक्सपेंस 16 के अकॉर्डिंग बुक होगा। कंपनी अगर 40 रुपीज में एक्सपेंस 40 रुपीज में अगर बुक करती है, 40 रुपीज में अगर एक्सरसाइज प्राइस अवेल करवाती है तो कंपनी को एक्सपेंस 12 रुपीज के अकॉर्डिंग बुक करना पड़ेगा, ठीक है? अब समझते हैं क्या हुआ। ड्यूरिंग ईयर वन, पहला साल, एंटिटी अर्निंग इंक्रीज्ड बाय 12%। वाओ, मिनिमम कंडीशन क्या थी? 10%। एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट अर्निंग विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट दिस रेट। ओ हो, ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। करंट ईयर में 12% हुआ है, अगले 2 सालों में भी कहीं ना कहीं 12-12 जाएगा। वाओ, मतलब ऐसा लगता है कि हमें 30 रुपीज में शेयर देना पड़ेगा और हम 30 रुपीज में अगर शेयर देंगे तो फेयर वैल्यू बन जाएगी 16। एंटिटी देयरफॉर एक्सपेक्ट्स दैट अर्निंग टारगेट विल बी अचीव्ड, हेंस द शेयर ऑप्शन विल हैव एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30। क्योंकि फर्स्ट ईयर में 12% अर्निंग हुआ है, सेकेंड और थर्ड ईयर में इसी रेट पर अर्निंग होगा, ऑन एन एवरेज अर्निंग 12% पर जाएगा, तो इसका मतलब 10% के ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये बनता है कि इसका मतलब क्या बनता है कि कंपनी 30 रुपीज में शेयर दे सकती है, ऐसा अंदाजा लग रहा है। तो इसका मतलब हम फेयर वैल्यू लेंगे 16। आया समझ में कि नहीं? अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस। यहां पर खेल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का है ही नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो एक ही है, तो यहां पर बोलेंगे 10,000 ऑप्शंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक ही है, इनटू 10,000 ऑप्शंस इनटू 16 रुपया। सर 16 क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम 30 रुपीज पे ये एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपीज पे हम शेयर इशू करेंगे।
क्यों है हमारा एक्सपेक्टेशन? हमने टारगेट दिया 10% की अर्निंग रखने का हर साल एवरेज, पहले साल की अर्निंग 12% हुई है, लगता है कि सेकंड और थर्ड ईयर में भी 12-12 जाएगा, मतलब 10% से ऊपर जाएगा। अर्निंग टारगेट अचीव हो गया तो 30 रुपीज के हिसाब से हमें शेयर इशू करना पड़ेगा, हमने वादा किया है। इसके बेसिस पर हमारा एक्सपेंस जो होगा 16 रुपीज के अकॉर्डिंग होगा, डिवाइडेड बाय 3 करिए। फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस 53,333, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा 53,333। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिर से बता दूं, यहां पर एक ही एम्प्लॉई है सिंगल, टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव बोला है, टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस आपका 53,333 इज योर एक्सपेंस, कोई शक? कोई शक? तुम लोग ना सन्नाटे में मत रहा करो, ठीक है, अच्छी बात है कि नोट कर रहे हो, पर सन्नाटे में मत रहा करो। मुझे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम मुझसे चैटिंग करोगे, बात तो कर नहीं सकते हो, शक्ल तो हम एक दूसरे की बस ऑनलाइन देख रहे हैं। मेरे को चाहिए कॉन्फिडेंस कि हाँ तुम्हारे भेजे में जा रहा है, ठीक है ना, यही लॉजिक है, यही रीजन है ये लाइव क्लास लेने का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ओके। 10% का टारगेट लिखा है नलायक, इन्होंने बोला है मिनिमम 10% करके दिखाओगे तुम, एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड ना, एटलीस्ट वर्ड का कुछ मीनिंग होता है, मिनिमम 10% करके दिखाओगे। टेन परसेंट से ज्यादा कर रहे हो तो अच्छी बात है, सीधा 10% ओवर ऑल लिख देता, नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कुछ भी 10% ओवरऑल लिख देता, मतलब क्या चाह रहे हो तुम, या तो कुछ और समझ रहे हो, मैं कुछ और समझ रहा हूं। इसने बोला है मिनिमम 10% अर्निंग होनी चाहिए, हम बोल रहे हैं भाई 12% हुई है, बोल, और अगले 2 साल में 12% होगी, ठीक है। ड्यूरिंग ईयर 2 एंटिटीज अर्निंग इंक्रीज्ड बाय 13%, वाह, मैंने 10 बोली थी, फर्स्ट ईयर में 12 हो गई, सेकंड ईयर में 13 हो गई, वाह। सर अगर 1 ईयर में 5% होता तो, 5% होता तो, ये आगे देखो क्या लिखा है, आगे इसको पढ़ो, entity expects that earning will continue to increase at this rate over the next 2 years, the entity therefore expects that earning target will be achieved, earning target achieve ho jayega ye bol raha hai। to agar first year mein bolta ki 5% hua to wo uske bare mein bhi aapko justification deta ki company ka first year mein 5% hua hai, but although bhale 5 hua hai company ko lagta hai ki earning target fir bhi achieve ho jayega on an average 10-10 karke, agle 2 saal mein itna acha hoga ki jab average nikalenge to 10% ho jayega, मेक सेंस, ठीक है। अर्निंग इंक्रीज बाय 13% एंटिटी कंटिन्यूज टू एक्सपेक्ट दैट अर्निंग टारगेट विल बी अचीव, अभी भी कंपनी नहीं रुकी, कंपनी बोल रही है सेकेंड ईयर में भी 13%, कंपनी कॉन्फिडेंट, ओ हो वाओ, हम ही है बस दुनिया में, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला डायलॉग, मुझे लगता है मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, ये कंपनी बस, अरे टेंशन नहीं, हमने 10 बोला था 12 हो गया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 13 हो गया, हमें लगता है हम ही भगवान है, हम ही सब कुछ है, आई बात समझ में कि नहीं। तो बताओ सेकेंड ईयर में क्या होगा, स्टिल 30 रुपीज, इंटू 16 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो 53,333
एक्सपेंस आएगा। जल्दी बताइए। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, ड्यूरिंग ईयर थ्री अब होगा कांड। देखो, एंटिटीज अर्निंग इंक्रीज बाय ओनली 3%। टाइम टाइम फिस। अब तुम फर्स्ट ईयर का 12, सेकेंड ईयर का 13 और थर्ड ईयर का 3, टोटल होता है 28 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज होता है 9.3333, मतलब 10% से कम। फाइनली कंपनी की अर्निंग 3% हुई, तो कंपनी का अर्निंग टारगेट जो 3 साल का एवरेज लेके बैठी थी 10%, वो फुलफिल नहीं हुआ। पर इससे कोई तकलीफ नहीं है इंप्लॉय को, इंप्लॉय को 10,000 शेयर देंगे, बट थोड़ा सा उसको तकलीफ इतनी है, उसको 40 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। देयरफोर द अर्निंग टारगेट वॉज नॉट अचीव्ड, एग्जीक्यूटिव कंप्लीट 3 ईयर सर्विस, देयरफोर सेटिस्फाइज द सर्विस कंडीशन। Because the earning target was not achieved, 10,000 wasted. Share options have an exercise price of 40. 40 रुपए के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं, ठीक है? कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए? मम्मी ने बुलाया नाश्ता करने के लिए, दूध पीने के लिए, है ना? बेटा आ जाओ, दूध पी लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, पता नहीं कहां चले गए। इनटू 12, आप जानते हो अब मैं 12 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अर्निंग वाला टारगेट फुलफिल नहीं हुआ पर सर्विस कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब 3 साल कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब हम शेयर तो देंगे बट हम अपना खर्चा बुक करेंगे 12 रुपए के हिसाब से। हम बोलेंगे ओहो, पहले साल हमने खर्चा बुक किया 16 के अकॉर्डिंग, फिर हमने खर्चा बुक किया सेकेंड ईयर में 16 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? पर अब हमें लगता है कि नहीं 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 हमने ज्यादा खर्चा बुक कर लिया, कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 3 × 3 120 माइनस 1,06,667 पता नहीं कहां गायब हो जाते हो। 1,33,33 ये होगा एक्सपेंस, 1,33,33 ये होगा एक्सपेंस, ये होगा एक्सपेंस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेट द ऑप्शन एक्सपेंस, आपको ऑप्शन एक्सपेंस निकालना है, ये दिया हुआ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन जल्दी एक बार देख लो, हमारे पास स्टिल अच्छा खासा समय है, 20 से 25%, जिसमें एक क्वेश्चन पूरा पूरा लग जाएगा और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम लेवल पर ईसॉप कवर हो जाएगा। कल की क्लास में सिर्फ आपके होमवर्क का डिस्कशन
और जो थ्योरी पॉइंट्स बचे हुए हैं ऊपर ऊपर नोट्स में सबसे पहले वो डिस्कशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं रहेगा। तो कल की क्लास मैं सिर्फ होमवर्क के लिए छोड़ना चाह रहा हूँ और छोटे मोटे डिस्कशंस के लिए छोड़ना चाह रहा हूँ। आज हमारे पास स्टिल एक अच्छा खासा समय रखा हुआ है, वी हैव गुड टाइम, एटलीस्ट हाफ एन आवर बोल सकते हैं। उस हाफ एन आवर के हिसाब से मुझे आपको एक जरूर क्वेश्चन अच्छा करवाना है, जिसके बेसिस पर जो उन्होंने थोड़ा बहुत अब आपकी बुक में देना शुरू किया है, तो मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चन करवाऊं, फिर हम होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, मैं आपको समय देता हूं 2-4 मिनट का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, देख लिया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया। यस, कल संडे है तो कल के लिए आई एम प्लानिंग कि मैं रेगुलर क्लास ना लेके मैं क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करवा लूंगा। सेम टाइम पे अगर लगा तो सेम टाइम पे अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कशन कर लेंगे। मैं मोस्टली 90% श्योर हूँ कि अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कशन का हम लेक्चर रख लेंगे कल के लिए, डोंट वरी।
अब क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, आपने क्वेश्चन नंबर 13 को इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम भी लगा दिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 अभी नहीं, आपका होमवर्क था कब का, आपने कर भी लिया है। सिक्सटीन को भी मैं आपका होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका सिमिलर टू सिमिलर टू सिमिलर टू सिमिलर टू सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क दे रहा हूं विच इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास और टेंटेटिवली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो कंसिडरिंग लास्ट कॉन्सेप्ट, ये बोल सकते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचेंगे वो सब आपके होमवर्क वाले होंगे जो कि हम अगली क्लास, जो भी अगला होंगे अगली क्लास रखेंगे। कल तो संडे है तो कल तो हम रेगुलर क्लास रखेंगे नहीं, तो उसके अगले वाली क्लास हम जो भी रखेंगे उसमें हम डिस्कशन करेंगे होमवर्क का, और थोड़ा बहुत थ्योरी थ्योरी डिस्कशन जरूरी है करना। हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट कम है बट फिर भी मैंने थ्योरी दिया हुआ है वो डिस्कशन करना है। ये क्वेश्चन इसका नाम ही देखो क्या लिखा है, ग्रेडेड वेस्टिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और ऐसे क्वेश्चंस को बोला गया है ग्रेडेड वेस्टिंग। अब आपको मैं बताऊंगा कि व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्रेडेड वेस्टिंग। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन बेसिकली लिया गया है सीए फाइनल से। यस, ये क्वेश्चन सीए फाइनल का है, ग्रेडेड वेस्टिंग का। ये क्वेश्चन मैंने रिसेंटली इंक्लूड किया था। मैं पहले जब आईपीसीसी में इंटर में पढ़ाता था तो मैं नहीं पढ़ाता था इसको। फिर बाद में मेरी नजर गई, इंस्टीट्यूट ने जब मॉड्यूल को रिवाइज किया था पहले भी आज से एक साल पहले लगभग, तो मेरी नजर गई क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 पे मैंने देखा यार क्वेश्चन नंबर 14 तो ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कायदे से क्वेश्चन नंबर 14 मुझे नीचे हेडिंग के नीचे डालना चाहिए था, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर चला गया वो। मैंने देखा यार क्वेश्चन नंबर 14 तो ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन है, बच्चों को ग्रेडेड वेस्टिंग के बारे में तो पढ़ाना चाहिए। फिर आई हैव स्टार्टेड कि चलो ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन दिया है तो एक क्वेश्चन अपन भी अपनी तरफ से डालेंगे, वो करवाएंगे, बच्चे के पास एक क्वेश्चन रहेगा ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 17, आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो और मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो और मुझे आप बताइए कि इसमें कितना पोर्शन आपको समझ आया, कितना नहीं आया, वॉट एवर।
व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक सर? नेक्स्ट टॉपिक विल प्रोबेबली बी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या फिर या तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर लिक्विडेशन, दोनों में से कोई एक। मतलब आई आई डेफिनेटली डिसाइड कि क्या करना है, बट नेक्स्ट टॉपिक विल बी इधर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और लिक्विडेशन। ऋत्विक शेयर को लॉट्स में निकाल रहा है, ओके। प्रियांशु सर कैन यू आस्क दर्शन सर खरे सर वेदर ही विल टेक क्लास टुडे और नॉट? दर्शन खरे सर क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे? दर्शन खरे सर क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे? कैसे मालूम पड़ेगा? मैं उनसे पूछूं? आपके सामने कॉल लगाता हूं, 50% चांसेस है कि कॉल स्विच ऑफ जाएगा। आपके सामने कॉल लगाता हूं दर्शन खरे सर को, मुझे 50% यकीन है कि उनका स्विच ऑफ होगा या वो उठाएंगे नहीं। देखते हैं। ओ स्विच ऑफ नहीं है। मालिक क्लास है आपकी आज? बच्चे पूछ रहे हैं ऑनलाइन आके। हाँ अच्छा चलेगा चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक। बच्चों क्लास नहीं है, लॉ की क्लास नहीं है आज। मैंने बच्चे सर से पूछा, सर पुणे में नहीं है एक्चुअली, सर न्यू ईयर में कहीं गए थे, मतलब कुछ आई डोंट नो, मतलब वो हो सकता है शायद आपको बताया होगा उन्होंने, तो सर नहीं है अभी। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। मैंने सर से पूछ लिया, सर कह रहे हैं कि क्लास नहीं है, क्लास नहीं है। ठीक है बेटा चलो। ओके शेयर ग्रुप में दे रहे हैं, चलो वापस आते हैं अपन। गिव अवे बुक्स अभी तक नहीं आया, आ जाएगा टेंशन मत लो। थोड़ा सा हमारे कुरियर वाले भी हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे, आज या कल तक मिल जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जिन जिन बच्चों ने मुझे आंसर दिया, जैसे ऋत्विक ने दिया, तेजस ने दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर जो शेयर्स है वो लॉट्स में दे रहे हैं, वो तीन अलग अलग लॉट कर रहा है वो शेयर्स को, ठीक है। अब वो कैसे दे रहे हैं आइए मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी आर अवेलेबल। ग्रांट डेट 1 अप्रैल 2006, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड 400, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड 60, नॉमिनल वैल्यू 100, एक्सरसाइज प्राइस 125। शेयर्स ऑफर्ड अंडर वर पुट इन थ्री ग्रुप्स। ग्रुप वन 20% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड विथ वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर। आप जानते हो क्या कर रहा है वो 60,000 को, वो सिक्सटी नंबर ऑफ शेयर्स को 60 × 20%, वो बोल रहा है 12 शेयर मैं आपको एक साल बाद दे दूंगा। फिर वो बोल रहा है 24 शेयर्स मैं आपको 2 साल में दे दूंगा, और बाकी के 24 शेयर्स मैं आपको 3 साल में दूंगा, कोई शक नहीं। ये बोल रहा है 60 शेयर टोटल दूंगा, जैसे ही तुम पहला साल कंप्लीट करोगे 12 शेयर ले जाना, जैसे ही तुम दूसरा साल कंप्लीट करोगे 24 शेयर ले जाना, जैसे ही तुम तीसरा साल कंप्लीट करोगे 24 शेयर और ले जाना। ऋत्विक का सवाल आएगा, सर
अगर फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट कर दिया, 12 शेयर में ले गया, पर सर मैं सेकंड ईयर का सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं बीच में चला गया, फिर मैं बोलूंगा ठीक है मत लेना। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक इंप्लॉई जो पहला साल कंप्लीट कर रहा है, वो जरूरी नहीं कि दूसरा और तीसरा साल उसको कंप्लीट करना पड़े, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। मतलब उसको 12 शेयर लेने के लिए सिर्फ एक ही साल कंप्लीट करना है, उसको ये वाले 24 शेयर लेने के लिए उसको 2 साल कंप्लीट करना है, उसको ये वाले 24 शेयर लेने के लिए उसको 3 साल कंप्लीट करना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्रीट दिस क्वेश्चन एज देर आर 3 क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को यह मानो कि इसमें 3 क्वेश्चन हैं, आपको 12 के हिसाब से अलग ही सॉल्व करना है। नंबर ऑफ ऑप्शन 12, वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर। आपको ये वाले 24 इयर्स के 24 नंबर के लिए अलग ही सॉल्व करना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस 24 और नंबर ऑफ इयर्स 2 इयर्स, और ये वाले के लिए आपको अलग ही सॉल्व करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है ग्रेडेड वेस्टिंग, मतलब जहां पर ऑप्शंस को उसने डिवाइड कर दिया, बोला कि कुछ ऑप्शंस मैं तेरे को फर्स्ट ईयर के एंड में दूंगा, कुछ ऑप्शन फर्स्ट सेकंड ईयर के एंड में, कुछ ऑप्शन थर्ड ईयर के एंड में। हो सकता है एक बंदा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ले, सेकंड ईयर कंप्लीट कर ले, थर्ड ईयर ना कर पाए, तो उसको बस फर्स्ट और सेकंड वाला मिल गया, थर्ड ईयर नहीं मिल पाएगा, ये डिपेंड करता है। तो मैं बोलता हूं ऐसे क्वेश्चन में मेरा हमेशा एक गुरु मंत्र रहता है, इस क्वेश्चन के लिए गोल्डन रूल ये रहता है कि क्योंकि उन्होंने ग्रेड करके दिया है, 3 ग्रुप में किया है, आप भी मान लो कि ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये 3 अलग-अलग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 3 अलग-अलग क्वेश्चन है, ऐसा मान लो। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, फिर कह रहा है ग्रुप 2 फॉर 20% 40% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड विद वेस्टिंग पीरियड ऑफ 2 इयर्स, एंड ग्रुप 3 वाज फॉर 40% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड विद वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग ग्रुप वाइज कर रहा है। इसके बाद वो रुका नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन द ग्रांटेड वॉज 10 फॉर ग्रुप 1, 12.5 फॉर ग्रुप 2 एंड 14 फॉर ग्रुप 3। आपको एक बात बताऊं, इसकी एक समरी बना देते हैं अपन, G1, G2, G3, G1, G2, G3, G1, G2, G3। यहां बोल रहा है भाई नंबर ऑफ ऑप्शंस 12, 24, 24, वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, और क्या था, फेयर वैल्यू पर ऑप्शन 10 रुपीज, 12.5 रुपीज, 14 रुपीज। 10 रुपीज, 12.5 रुपीज, 14 रुपीज, कुछ आ रहा है समझ में? क्लियर? मैं आपको लिटरली बोलूंगा इस क्वेश्चन को सेपरेट मानते हुए सॉल्व करिएगा। मतलब बिल्कुल ही आप ये मानिएगा कि आपके लिए ग्रुप 1 एक अलग ही क्वेश्चन है, ग्रुप 2 एक अलग ही क्वेश्चन है, ग्रुप 3 एक अलग ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। पोजीशन ऑन 31 मार्च 7, ग्रांट डेट थी 1 अप्रैल 6। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट 40 लोग चले गए, 40 लोग चले गए, चले गए। Estimate of the number of employees to leave in 7-8. ऐसा लगता है कि अगले साल 36 और जाएंगे और लगता है कि तीसरे साल 34 और जाएंगे। Number of employees exercising the option in group 1 350. Group 1 में कितने employees ने option exercise किया? 350. इसके लिए हमें एक और summary बनानी पड़ेगी। Employees, एम्प्लॉइज में हम बोलेंगे कि भाई ईयर 1 में ओपनिंग कितने थे, तो हम बोलेंगे यार ओपनिंग 400 एम्प्लॉइज थे,
एक्चुअल लेफ्ट कितने गए? 40 गए, तो इसका मतलब 360 एट द एंड ऑफ ईयर वन। फर्स्ट ईयर के एंड में 360 इंप्लॉइज है, फर्स्ट ईयर के एंड में 360 इंप्लॉइज है। आई मेरी बात समझ में? फर्स्ट ईयर के एंड में 360 इंप्लॉइज है। आप जानते हो ये किसके लिए है? ये नहीं, ये कहीं ना कहीं फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप वन। भाई वैसे भी ग्रुप वन के लिए हमें कितना चाहिए? ग्रुप वन में कितना साल है? ग्रुप वन में एक ही साल है ना, और जैसे ही वन ईयर खत्म होगा हम बोलेंगे हमारे पास 360 एम्प्लॉय बचे हैं। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? 360 एम्प्लॉय हमारे पास बचे हैं। क्लियर बेटा? ये अभी ईयर वन चल रहा है, ईयर वन, ठीक है, ईयर वन चल रहा है। मैं आपको बोलूंगा एक और तरीका है, एक और तरीका है, मैं आपको टाइमलाइन बनाता हूं ना। आप एक काम करो, आप ग्रुप वन का एक सेपरेट टाइमलाइन बनाओ, थोड़ा सा लंबा जाएगा पर समझ में जरूर आएगा। बस आप ध्यान से देखिए, ग्रुप वन का एक ही साल का पीरियड है, 1 अप्रैल 6, यहां एम्प्लॉई थे 400, लेफ्ट 40, तो यहां एम्प्लॉई हुए 360, इसमें से 350 ने एक्सरसाइज भी कर लिया, तो 10 का हमें रिवर्स करना पड़ेगा, 10 का हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहां पर एक्सपेंस 360 इंटू नंबर ऑफ ऑप्शंस 12 इंटू फेयर वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, कितना हुआ 360 इंटू 12 इंटू 10, ये हुआ 43,200। ईयर वन 43,200 फॉर 360 इंप्लॉइज। आपको एक सवाल आ सकता है, सर आप 360 इंप्लॉइज के लिए क्यों निकाल रहे हो, जब उन्होंने बताया है कि 350 अवेल कर रहे हैं, तो आप 360 के हिसाब से एक्सपेंस क्यों बुक कर रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन वेस्ट कितने इंप्लॉइज को हुआ है 360 को? जितने इंप्लॉइज को ऑप्शन वेस्ट होता है, एक्सपेंस उतने के हिसाब से ही बुक होता है। आगे चल के साले वो लोग ले नहीं ले उससे कोई मतलब नहीं, हम रिवर्स कर देंगे जर्नलिज्म में, ऑप्शन इज वेस्टेड टू 360 एम्प्लॉइज, ऑप्शन इज वेस्टेड टू 360 एम्प्लॉइज। एक और बात, ईयर एंड में हमें पता पड़ा कि भाई 40 एम्प्लॉइज जा चुके हैं, 360 को एम्प्लॉय ऑप्शन वेस्ट हो गया। हमने उन सबको मेल किया, हमने बोला कि आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग ग्रेड वन के लिए, ग्रुप वन के लिए एलिजिबल हो गए हो, अगर आपको 12-12 शेयर चाहिए तो बताइए, एक महीने का टाइम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने बाद जाके मालूम पड़ा कि अच्छा हाँ 350 लोगों ने हाँ कर दी, तब तक हम अपना खर्चा थोड़ी रोकेंगे, हमें तो अपना एक्सपेंस बुक करना है ईयर एंड पे, ऑडिट वगैरह करवाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाने हैं, तो इसीलिए 360 के हिसाब से हमने बुक कर लिया। आई मेरी बात समझ में? 360 के हिसाब से हमने बुक किया ईयर वन में, मुझे लगता है यहां तक तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से आप बोलोगे फॉर 350 फॉर 10 जो कि लैप्स हुआ, जो लैप्स हुआ उसका निकाल लीजिए, 43,200 डिवाइड बाय 360 इंटू 10, तो ये 1200, ये होगा रिवर्सल टू जनरल रिजर्व, और 43,200 में से 1200 गया, ये होगा 42,000। सर वो जो एस्टीमेट दिया हुआ है दूसरे इयर्स का वो यूजलेस है, वो ग्रुप वन के लिए यूजलेस है, वो ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के लिए काम आएगा, वो ग्रुप टू के लिए काम आएगा, ग्रुप थ्री के लिए काम आएगा, वो ग्रुप वन के लिए यूजलेस है, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री अभी मैंने करवाया नहीं है।
आप सिर्फ इतना वाला पोर्शन नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको फिर ग्रुप टू की कहानी समझाऊं। इतना पोर्शन नोट कर लीजिए। हाँ जी, यहां तक क्लियर? अब पता है अपन क्या करेंगे? अब बनाएंगे अपन ग्रुप टू। अब बनाएंगे अपन ग्रुप टू। अब बनाएंगे अपन ग्रुप टू। यस, पूरा थ्री ग्रुप्स अलग अलग मान के सॉल्व करना है। मैं इतनी देर से पहले यही तो बोल रहा हूं कि तीनों ग्रुप को अलग अलग क्वेश्चन मानते हुए सॉल्व करो। ठीक है, अब ग्रुप टू में आप सब जानते हो कि 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो मैंने 2 साल बना दिए। उसमें से 1 अप्रैल 2006, 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2008। अभी हमारा पहला साल है। यहां हमारे एम्प्लॉइज थे 400, यहां लेफ्ट हुए 40, यहां हमारे एम्प्लॉइज हैं 360, और फर्स्ट ईयर के एंड में ही वो कह रहा है। पॉइंट नंबर ए तो क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर बी को देखो, एस्टिमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू लीव इन 7-8। अगले साल कितने जाएंगे? 36 जाएंगे, 36 जाएंगे। हमें यहां लगता है 36 विल लीव इन सेकेंड ईयर। हमें लगता है कि सेकेंड ईयर में 36 और जाएंगे। तो बताइए आपका फर्स्ट ईयर का, अभी मैं ईयर वन ही कर रहा हूं, ईयर वन ही कर रहा हूं, पर अब जो ये ईयर वन है ये ग्रुप टू के लिए हो रहा है। ये जो ईयर वन था ये ग्रुप वन के लिए हो रहा था। अब मैं जो ईयर वन कर रहा हूं उसमें क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा भैया 360 इंप्लॉय आज रखे हैं, ऐसा लगता है कि 36 और जाएंगे, 36 और जाएंगे। ग्रुप टू में तो टोटल मिला के साल 2 साल है ना, तो फर्स्ट ईयर के एंड में 360 हैं और 36 और जाएंगे ऐसा लगता है। नालायक बच्चों ध्यान दो, क्योंकि ग्रुप थ्री का आपसे करवाऊंगा ईयर वन का। इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन 24 इंटू फेयर वैल्यू 12.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 360 माइनस 36 इंटू 24, 12.5 डिवाइडेड बाय 2, 48,600। 48,600 ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा। आपको इधर कुछ तकलीफ हो तो मुझसे पूछो, ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कुछ दिक्कत हो तो पूछो, और एक्सपेंस में कुछ दिक्कत हो तो पूछो। वंशिका, विच बुक यू आर टॉकिंग अबाउट? इज द ऑफर स्टिल अवेलेबल? Can we still buy books at discount? Which subject books you are talking about? Are you talking about each advance accounts books, law books? आप book wise, subject wise book की बात कर रहे हैं जो हम 500 में दे रहे हैं? तो if I am not wrong शायद वो books दिख रही हैं, still वो books दिख रही हैं। Yes, you can purchase advance accounts books at 500 rupees. Result तक ये रहेगा, result तक ये रहेगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं। एडवांस अकाउंट्स, अगर देखिए हमने अभी, आज हमारी 14th क्लास है मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पढ़ा रहा है
14 क्लासेस तक भी पढ़ा रहा है तो अच्छा ही पढ़ा रहा होगा। स्टार्टिंग के 4-5 सेशन में तो हर कोई अच्छा पढ़ाता ही है, ठीक है ना। स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि स्टिल अभी भी क्लासेस इंडिविजुअल प्राइसेस डिस्काउंट पे दिख रही है। हमने हल्का सा प्राइस बढ़ाया है, 31 दिसंबर के बाद हमने बोला था कि हम प्राइस बढ़ाएंगे, तो हमने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया है, स्टिल डिस्काउंट पे दिख रहा है। अगर आप जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे लेक्चर में जाके देखेंगे तो स्टिल आपको उसमें डिस्काउंट दिखेगा, स्टिल आपको डिस्काउंट दिखेगा। तो ये डिस्काउंट रिजल्ट के बाद खत्म हो जाएगा, ये डिस्काउंट रिजल्ट के बाद शायद खत्म हो जाएगा। तो आप देख लो, अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको वी स्मार्ट की क्लासेस लेनी ही है, तो मैं कहूंगा कि आप वेट मत करो, आप क्लासेस ले लो। चलिए, सेकंड फर्स्ट ईयर हो गया ग्रुप टू के लिए, फर्स्ट ईयर हो गया ग्रुप टू के लिए, मुझे ग्रुप थ्री का जवाब दो जल्दी, मुझे ग्रुप थ्री करके दीजिए जल्दी, ग्रुप थ्री करके दीजिए। एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन को ही बदल देता हूं, मैं स्क्रीन को ही बदल देता हूं, आप ग्रुप थ्री करके दीजिए, मैं ग्रुप थ्री का तब तक टाइमलाइन बना देता हूं। सर ग्रुप टू का सेकंड ईयर, अरे नालायक बच्चे, ग्रुप टू का सेकंड ईयर मत निकाल, सेकंड ईयर में हम पहुंचे ही नहीं है। मैं हर ग्रुप के लिए फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ईयर कर रहा हूं, हर ग्रुप के लिए फर्स्ट ईयर कर रहा हूं। मैं सेकंड ईयर में जब आऊंगा तो मैं फिर से करवाऊंगा। ईयर वन ग्रुप थ्री मेरा निकल गया है, निधि अग्रवाल का आंसर सही है 32480, निधि अग्रवाल का आंसर बिल्कुल सही है 32480। निधि अग्रवाल का आंसर बिल्कुल सही है 32480। फर्स्ट ईयर के एंड में हम कह रहे हैं कि हमारे पास 360 इंप्लॉइज हैं, सेकेंड ईयर में जाएंगे ऐसा लगता है 36, थर्ड ईयर में जाएंगे ऐसा लगता है 34, ये हमें फर्स्ट ईयर में ही पता है ग्रुप थ्री के लिए। तो हमने ग्रुप थ्री के लिए निकालना शुरू कर दिया, हमने ग्रुप थ्री के लिए निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब कैसा क्या करना है, अब है ध्यान से सुनिए, अब हम ईयर वन की समरी बनाते हैं। समरी ऑफ ईयर वन, ईयर वन में क्या हुआ, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। ग्रुप वन में कितना बुक किया, 43200,
ग्रुप टू में बुक कितना किया? 48,600। ग्रुप थ्री में कितना बुक किया? 32,480, 43,200, 48,600, 32,480। टोटल हमने बुक किया 124,280। आप जानते हो क्या एंट्री होगी? अच्छा, उसमें से रिवर्स कितना किया? अब हम रिवर्स की बात करेंगे। हमने रिवर्स किया 1200 फॉर ग्रुप वन। अब इस समरी के बेसिस पर, अब इस समरी के बेसिस पर एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग 124,280। ईसो आउटस्टैंडिंग नहीं, सॉरी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन 124,280 और ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व 1200। समझ आया? ईसो आउटस्टैंडिंग, जनरल रिजर्व 1200। अच्छा, एक और चीज, एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 125 रुपीज। फर्स्ट ईयर में एक और एंट्री होगी, ये एंट्री हम कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2007 को। एक और एंट्री होगी 31 मार्च 2007 में, बैंक वाली एंट्री। बताओ बैंक वाली एंट्री किस ग्रुप के लिए होगी? बताओ बैंक वाली एंट्री किस ग्रुप के लिए होगी? फर्स्ट ईयर के एंड में कौन सा वाला ग्रुप अवेल हो रहा है? बैंक वाली एंट्री होगी ग्रुप वन के लिए, क्योंकि ग्रुप वन के लिए एस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। कितने पैसे आएंगे? एक्सरसाइज प्राइस 125, तो क्या आएगा? 125 इंटू 12 नंबर्स, 125 इंटू 12 ऑप्शन और 350 इंप्लॉइज, 350 इंप्लॉइज, ये 10 इंप्लॉइज का रिवर्स हो गया। 125 इंटू 12 इंटू 350 कितना हो गया? 5,25,000। ईसो आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ये देखो ग्रुप वन की समरी 350, 42,000, 42,000। कैसे सर? बेसिकली 350 इंप्लॉइज, 12 ऑप्शंस और 10 रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल 350 इंप्लॉइज, 12 ऑप्शन, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 रुपए। इस बार फेस वैल्यू 100 रुपए है, 4,20,000। बाकी का आपका निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, ये बचेगा 1,47,000। तो ऑल इन ऑल आपकी फर्स्ट ईयर में ये सब एंट्रीज हो रही हैं, आपके फर्स्ट ईयर में ये सब एंट्रीज हो रही हैं। सर इस एंट्री का बताना, इसमें कितने ग्रुप हैं? इसमें ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री, तीनों का मिलकर कंबाइंड एंट्री है। ये भी सेम, पर यहां पर ग्रुप वन ओनली लैप्स और ये भी ग्रुप वन एक्सरसाइज्ड, ऐसा है। थोड़ी सी लैंग्वेज हमने सिंपल कर दी इस तरीके से।
फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन इस तरीके से हुआ, अभी तो दो सेकंड ईयर बचा है, थर्ड ईयर बचा है, मैं आपको सेकंड ईयर का आइडिया दे देता हूं, ये हो गया होगा, मैं आपको सेकंड ईयर का आइडिया दे देता हूं। सेकंड ईयर में ग्रुप वन का कोई यूज नहीं है, सेकंड ईयर में ग्रुप वन है ही नहीं, सेकंड ईयर में आएगा ग्रुप टू। अब ग्रुप टू के हम सेकंड ईयर में देखेंगे तो कितने लेफ्ट हुए वो देखते हैं, एक्चुअल लेफ्ट। अब हम चलते हैं सेकंड ईयर में, आइए ये थी पोजीशन 31 मार्च 77, अब ये है पोजीशन 31 मार्च 8, और सच्ची में हमारा सेकंड ईयर जो है वो 8 ही है, हाँ 8, ठीक है ना। क्या पोजीशन बता रहा है, ये बोल रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट 35, ओहो 35 लोग चले गए, 35 लोग चले गए, तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर एम्प्लॉय कितने बचेंगे, 360 में से 35 चले गए, 325 बचेंगे, 325 एक्सरसाइज्ड, सॉरी 325 वेस्टेड, हम बोलेंगे ऑप्शन इनको वेस्ट हुआ, ऑप्शन इनको वेस्ट हुआ, आई बात समझ में। और इसमें ये जैसे यहां पर था वेस्टेड 360, अब हम इसमें बोलेंगे कि भाई इसमें से एक्सरसाइज कितना हुआ और लैप्स कितना हुआ, वो भी दे रखा है उसने। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन इन ग्रुप टू 319, तो 319 एक्सरसाइज लैप्स हुआ 6 नंबर का, 6 का, आई बात समझ में। अब आप क्या करोगे, अब आप ग्रुप टू का सेकेंड ईयर का निकाल के दो, ग्रुप टू का सेकेंड ईयर का निकाल के दो, ग्रुप टू का सेकेंड ईयर का निकाल के दो, मैं यही निकाल रहा हूं, ईयर टू ग्रुप टू कैसे निकालेंगे, बस शुरू से चाहो तो ले लो कि भाई 400 एम्प्लॉइज थे, 40 गए और 35 और गए, तो ये बचे 325, 325 को वेस्ट हुआ इनटू 24 नंबर्स 12.5 ऑप्शंस डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2, क्यूमुलेटिव कितना आ रहा है, ये है आपका क्यूमुलेटिव, इसमें से माइनस करेंगे 48,600 जो फर्स्ट ईयर में हमने बुक किया, फर्स्ट ईयर एक्सपेंस, फर्स्ट ग्रुप नहीं सेकेंड ग्रुप, तो ये 48,900 आपको एक्सपेंस बुक करना चाहिए सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का एक्सपेंस बुक करना चाहिए आपको, ठीक है, ग्रुप टू का। ये आपका ग्रुप टू का ईयर वन ईयर टू हो गया, क्या मुझे आप ग्रुप थ्री का निकाल के दे सकते हो, मैं बोल रहा हूं क्या मुझे आप ईयर सेकंड ग्रुप थ्री निकाल के दे सकते हो, उसके लिए हमें चार्ट में जाना पड़ेगा टाइमलाइन में, और हम बोलेंगे यहां जैसे था एक्चुअल लीव एक्चुअल लेफ्ट, हम बोलेंगे कितने गए 35 गए, तो यहां पर एम्प्लॉइज कितने बचे 325, इसमें और दिया है एक्सपेक्टेड टू लीव इन थर्ड ईयर, हमें लगता है सेकेंड ईयर के एंड में बोला है एस्टिमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू लीव इन 8, 9, 30, हमें लगता है कि 30 और जाएंगे 31 मार्च 8 पर खड़े, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ठीक है बॉस 400 में से 40 चले गए, 35 चले गए और 30 और जाएंगे,
ये जो है ये एक्चुअल है, ये जो है ये एक्सपेक्टेड है, इंटू 24 इंटू 14। ये थोड़ा सा मैं ऊपर बना लेता हूं, ये एक्चुअल है और ये एक्सपेक्टेड है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। ये है 66,080, 66,080 क्यूमुलेटिव टिल सेकेंड ईयर, जिसमें से हम बोलेंगे 32,480 आपका फर्स्ट ईयर का था, तो 33,600 आपको सेकेंड ईयर में एक्सपेंस बुक करना है, आपको सेकेंड ईयर में एक्सपेंस बुक करना है 33,600। दिस इज फॉर ग्रुप 3। यू नो व्हाट, अब आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, आज तो वैसे भी आपका EIS का क्लास नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, आपका EIS का क्लास नहीं है आई थिंक। ठीक है, 5 मिनट, मेरे को 5-10 मिनट और मैं ले लेता हूं। अब आपको सेम ऐसा समरी बनाना चाहिए, समरी ऑफ ईयर 1 बनाया था ना, वैसे ही अब समरी ऑफ ईयर 2 बनाओ, समरी ऑफ ईयर 2 बनाओ। आइए हम बनाते हैं समरी ऑफ वाई टू, जिसमें हम बनाएंगे कि भाई ग्रुप 2 में कितना एक्सपेंस बुक किया, 48,900, और ग्रुप 3 में कितना एक्सपेंस बुक किया, 33,600। ये हो गया 82,500 टोटल एक्सपेंस इन सेकेंड ईयर। अच्छा, रिवर्सल फॉर 6 एम्प्लॉयज ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 के 6 एम्प्लॉय का रिवर्सल हो रहा है। टाइमलाइन देखो, 325 में से 6 लैप्स, 6 का लैप्स हो गया, तो वो कैसे निकलेगा? वो हम बोलेंगे भाई 325 एम्प्लॉयज थे, हर एक को 24, और फेयर वैल्यू था 12.5 के हिसाब से, 12.5 के हिसाब से, ओ सॉरी 325 नहीं था, 6 थे, मतलब 6 × 24 × 12.5, ये हो गया 1800। 1800 जनरल रिजर्व में रिवर्स हो जाएगा। When will be the next class, sir? Next class, next normal class will be on Monday. कल संडे है, संडे को मैं क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करने के मूड में हूँ, बायबैक वाला। बायबैक हमारा जो पहला टॉपिक था, बायबैक, बायबैक का क्वेश्चन बैंक प्लस एडिशनल क्वेश्चंस, जिसकी शीट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, फिर भी मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना? और मैं उसको एडिशनल क्वेश्चंस को एक काम करूंगा, वी स्मार्ट वेबसाइट पे भी डलवा दूंगा, मैं उसको आपको बता दूंगा कैसे, जब मैं क्वेश्चन बैंक की क्लास लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो ये हो गया। एंट्री क्या करेंगे सर? मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हूं, आपको ग्रुप 3 का होमवर्क दे रहा हूं। एम्प्लॉय, ये ईयर 2 चल रहा है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये जाएगा 82,500। फिर P&L डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 82,500। बच्चे ज्यादा बोल नहीं रहे तो मैं समझ रहा हूं शायद,
दुर्गा डिस्टर्ब मत करिए, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाओ, बीच में तुम लोग ऐसे पूछोगे टाइम वाइम आ जाएगा यार तुम लोगों को समझ में, अब जानबूझ के नहीं बताऊंगा। ये आपका फॉर ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री, फॉर ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री, ठीक है। उसके बाद रिवर्सल की एंट्री इसकी, ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व 1800, मैं बोलूंगा फॉर ग्रुप टू 6 एम्प्लॉइज। उसके बाद बैंक की एंट्री लास्ट, ग्रुप टू वालों का ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया ना, 319 एम्प्लॉइज, सो बैंक अकाउंट डेबिट 319 इंटू 24 शेयर्स इंटू 125 एक्सरसाइज प्राइस, ₹9,57,000। ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट यही 300 एम्प्लॉइज 24 शेयर्स और 12.5 के हिसाब से, ₹9,57,000 12.5 ही था ना, हाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹7,65,600। ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, ₹287,100। दिस वॉज ईयर टू एंड दिस वॉज द समरी ऑफ ईयर टू। आपको मैं अभी स्क्रीन पूरा दिखा देता हूं, ईयर थ्री आपका होमवर्क रहेगा, ईयर थ्री का कैलकुलेशन जो भी है वो आपका होमवर्क रहेगा, ईयर थ्री का कैलकुलेशन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ईयर थ्री का कैलकुलेशन जो भी है आपका वो होमवर्क रहेगा, ठीक है। सो मैं अभी स्क्रीन फ्लिप कर रहा हूं एक दो मिनट के लिए, फिर क्लास ओवर हो जाएगी। मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।